एपिसोड 1 में आपने देखा कि रचित की मम्मी ने रचित की बुआ की वजह से अपना पुराना घर बेच के नया घर ले लिया, लेकिन वो चालाक बुआ उनके नए घर भी पहुंच जाती है और बुआ को बुलाया रचित के पापा ने। फिर सभी लोग अपना अपना रूम डिसाइड करते हैं और रचित की बुआ प्लान करती है कि वो अब इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। रचित, स्वाति और उनकी मम्मी को लगता है कि उनके घर में भूत है, लेकिन जब पापा जाके देखते हैं तो वो गुलगुला होता है और पापा कहते हैं कि भूत भूत कुछ नहीं होता। फिर रचित के पापा रात को पानी पीने के लिए जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। जिसने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है वो जाकर एपिसोड 1 देखो और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मम्मी मम्मी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, पापा पता नहीं कहाँ गए। हाँ बेटा, डर तो लग रहा है, अब क्या करें, पापा को ढूंढेंगे। हाँ मम्मी, मैं एक काम करता हूँ, मैं पापा को ढूंढता हूँ, पहले वॉशरूम में चेक करता हूँ। अरे बावले बेटा, तेरे पापा वॉशरूम में थोड़ी ना थे, बाहर से गायब हुए हैं, बाहर देख। हाँ मम्मी, चलो ठीक है, मैं फिर बाहर जाके देखता हूँ पापा को। अरे बेटा, वो तेरी बुआ कहाँ है और उसकी बेटी सुबिका, वो भी नजर नहीं आ रही। हाँ कहाँ गए वो, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। बुआ जी, बुआ जी, आवाज भी नहीं आ रही उनकी। बुआ जी, मेरे को तो लगता है आंटी भूत का नाम सुनते ही भाग गई। हाँ वो कितनी चलाक निकली, बिगर बताई गायब। अरे ऐसे बोल रही थी, मेरे भाई ने बुलाई हूँ, मेरे भाई का घर है, मैं तो आऊंगी। क्या कह रही थी, क्या कह रही थी तेरे से? कोई भूत भूत नहीं होता, और भूत का नाम सुनते ही पतली गली से निकल ली। चलो बलाटली हमें क्या। अरे बेटा, फॉर्मेलिटी के लिए लाओ, एक फोन तो कर लूं। हेलो। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ दीदी, आप कहाँ चले गए? अरे मैं वापस आ गई, मेरे को अर्जेंट काम था, मेरे को सुबिका का एडमिशन करवाना था, इसलिए मैं आ गई। अरे बता के नहीं आए आप, अब कब आओगे? अरे अभी कुछ फिक्स नहीं है, मैं आपको बता दूंगी कि मैं कब आऊंगी कब नहीं। चलो अभी मैं बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करती। बाय बाय। ओके बाय। वो नहीं आने वाली अब बगली। चलो मम्मी ठीक है, मैं ना पापा को देख के आ रहा हूँ बाहर। पागल है क्या? चल किचन में देखते हैं, पापा को ढूंढते हैं, आजा। नहीं नहीं भाई, पापा ना किचन से ही गायब हुए थे, वहां नहीं जाएंगे, भूत हमें भी उठा ले जाएगा। हाँ तो सही कह रही है, तो चल फिर एक काम करते हैं, कहीं और ढूंढते हैं, आजा। हाँ और सुन, तू ना मेरे साथ ही रही हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी व्लॉगिंग कौन करेगा फिर? दिमाग मत खराब कर, चल ढूंढ लेते हैं व्लॉगिंग व्लॉगिंग। इनके पीछे पीछे ही चले जाता हूँ, वरना भूत मेरे को भी उठा ले जाएगा। चल गुलगुले चल। मैं भी इस कमरे में ढूंढ लेती हूँ, पता नहीं बुड्ढा कहाँ गायब हो गया। स्वाति क्या कर रही है ये? वो मम्मी पापा को ढूंढ रही थी डस्टबिन में। अरे तेरे पापा कूड़ा है क्या जो डस्टबिन में मिलेंगे? मम्मी वो मुझे लगा। अच्छा अच्छा सॉरी, इस घर में सारे पागल हैं।
बुआ जी, बुआ जी, रचित भैया, स्वाति दीदी, बुआ जी मिल गए। कहाँ हैं? कहाँ है पापा? कहाँ तेरे पापा? बुआ जी ये रहे बुआ जी, तुम बिना मूंछों के कितने हैंडसम लग रहे हैं। अरे सॉरी सॉरी। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो गाइस अभी ना मेरे पापा खो गए हैं और वो मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए। अरे दीदी आपने ऑडियंस को बताया नहीं क्या कि फूफा जी को भूत उठा ले गया? हाँ एक मिनट, तू तो कह रहा था कि भूत भूत नहीं होते और अगर भूत तेरे सामने आए तो तू भूत का भी भूत बना देगा। अब क्या हुआ, अब फट गई तेरी भूत का नाम सुन के? तो गाइस चलो हम सब मिल के ना पापा को ढूंढते हैं, अगर आपको दिखे तो कॉमेंट करके बताना। ठीक है ठीक है, बाय। मम्मी हमने पापा को हर जगह ढूंढ लिया, पापा कहीं भी नहीं मिले। हे भगवान मेरा सुहाग लुट गया, मैं बर्बाद हो गई। रचित बेटा तू रोड पे निकलेगा जब क्या कहेंगे लोग, बिना बाप की औलाद जा रही है। स्वाति बेटा तेरी कैसे शादी होगी बिना बाप के? मम्मी मेरे को ना पक्का ऐसा लग रहा है कि पापा को ना भूत ही उठा के ले गया। हाँ हाँ मम्मी पापा को ना भूत ही ले गया, और मम्मी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पापा नहीं होंगे तो मेरी शादी कैसे होगी? बुआ जी बुआ जी भूत भूत भूत। ये तो डर गए। टन टन, कैसा लगा मेरा प्रैंक? सबको डराया बड़ा मजा आया, खूब उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। अरे फूफा जी आपने तो पूरा ही डरा दिया था। अरे गुलगुले ये निकम्मे सारा दिन कहते रहते हैं ना भूत भूत, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता। अरे रचित बेटा तेरी बुआ कहाँ है? पापा वो बुआ तो चली गई किसी अर्जेंट काम से। अरे बड़े बहन भाई का प्यार हो रहा था ना, मेरी भाई ने भी लाई हूँ, भाई के घर पे आई हूँ। पहले क्या कह रही थी, कोई भूत भूत नहीं होता, और भूत का नाम सुना नहीं गायब हो गई, अब दोबारा नहीं आने की, वो मना कर रही थी आने को। आए बड़े बहन भाई ये नहीं मेरी। अच्छा इसका मतलब मेरी बहन मेरे को छोड़ के चली गई। अरे फूफा जी आप तो बहुत फनी हो, आपने जो करा ना मेरे को बहुत मजा आया, प्लीज एक बार दोबारा करो ना। चुप, दोबारा करे ना। अरे यार पापा हद होती है, इतनी आधी रात को कौन ऐसा बेहुदा सा मजाक करता है? आपको पता है हमें सच में लगा था कि भूत आपको उठा के ले गया, पता है आपको ये तीनों कितना डर गए थे। भाई हम सब नहीं, तू भी डर गया था, ये भी बता पापा को। हाँ वो थोड़ा सा मैं भी डर गया था। अरे वो पागल आदमी, तुम्हें अकल तो एक पैसे की नहीं है ना, भला ऐसा बेहुदा मजाक कौन करता है? अरे ये मजाक तुम लोगों को सिर्फ ये समझाने के लिए था कि भूत भूत कुछ नहीं होता, सारा दिन भूत भूत करते रहते हो। हे गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो गाइस देखा आप लोगों ने मेरी फैमिली का हाई वोल्टेज ड्रामा, पापा ने आधी रात को प्रैंक करके कर दिया हंगामा। तो बाकी की डिटेल्स मैं आपको देती हूँ सुबह, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट। चलो भाई रात बहुत हो गई है, सब सो जाते हैं, चलो अपने अपने कमरे में। मम्मी मैं ना सोने जा रही हूँ। रूम में चलो, तुम्हारी नींद अच्छे से मैं पूरी कराऊंगी। अरे मेरी राम के लिए बात तो सुन, अरे सुनो ना। अरे रचित भैया अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, मेरे को भी अपने साथ ले चलो। बस साथ में क्या, गोदी में उठा के लेके जाऊं? अरे तुम्हारे अंदर कुछ दिमाग विमाग है क्या? नहीं मुझे लगा
कि मैं तो सच में ही विधवा होगी। ऊपर से तुमने अपना बीमा तक नहीं करवा रखा। अरे कम से कम एक लाइफ इंश्योरेंस तो करवा लेते। अरे तुम मर भी जाते तो चल जाता, कम से कम पैसे तो मिल जाते। बिन पैसों के मैं बिचारी अपने बच्चों को कैसे पालती। इस प्रैंक प्रैंक के सिवा तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं आता क्या? कल सुबह सबसे पहले मैं तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस ही कराऊंगी। मुझे ना तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे और मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगी। अरे मेरी रामकली क्यों इतना नाराज हो रही हो? इच्छा होले भूसंड मार दूंगी। यार गुलगुले तू ही बता, ऐसे कोई करता है क्या? हाँ रिद्धिया करता है ना, मेरे फूफा जी और आपके पापा। गाइज जरूर आपको मेरे पापा का ये प्रैंक बहुत पसंद आया होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो पे 300,000 लाइक्स कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से यार, 10 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो यार। अब रजत भैया सो जाओ ना, मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है। हाँ मेरी जिंदगी के राव के तू सो जा सो जा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। सुबह के बज चुके हैं 9 और ये है मेरा लीचड़ भाई जो अभी तक पड़ा सो रहा है। अरे यार स्वाति क्या है तेरे को, सोने देना जा यहाँ से। गाइस मम्मी पापा ना इसको कुछ नहीं बोलते इसलिए हाथ से निकल चुका है, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमारे घर का है ही नहीं। जरूर मम्मी पापा इसको कबाड़े के ढेर से उठा के लाए होंगे। गुलगुले देखो गाइस ये गुलगुला, ओए तू तो उठ जा। अरे स्वाति दीदी जाओ ना यहाँ से, कोलगेट वोलगेट तो किया नहीं आपने, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। नहीं नहीं गाइस आप ना इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये तो ना रचित से भी ज्यादा महान आत्मा है। रचित उठेगा 10 बजे और ये उठेगा 12 बजे। हमारे घर में ना दो दो कुंभकर्ण है, एक के साथ एक फ्री। दोस्तों ये सब छोड़ो, अभी ना मैं आपको बाकी घर वालों से मिलवाती हूँ, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। चलो यार आखिरकार इस लड़की ने नींद खराब कर ही दी, कोई नहीं मैं दोबारा सो जाता हूं। तो गाइस देखो सुबह सुबह यहाँ मेरे पापा योगा कर रहे हैं, चलो पापा से मिलते हैं। पापा हाय करो चलो सबको, पापा पापा हाय करो ना सबको। अरे क्यों सुबह सुबह मेरा बीपी बढ़ा के किसी को हाय मरवा रही है? तुझे दिखाई दे रहा मैं योगा कर रहा हूँ। अरे पापा ऐसे नहीं होता, आप गलत कर रहे हो, सही से करो। तू बढ़िया है मेरे को योगा सिखाने वाली। अरे पापा भूल गए क्या, राखी के त्योहार में योगा क्वीन थी मैं। और हाँ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना राखी का त्योहार तो जाके देखो, पूरे 2 एपिसोड है। ठीक है तू जा मैं आप कर लूंगा। तो चलो अब ना मम्मी से जाके मिलते हैं। मम्मी तो ये देखो गाइस मेरी मम्मी ना सुबह उठते ही काम पे लग जाती है। मेरी मम्मी को डर्टीनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्यों मम्मी सही बोला ना। ये कैमरा साइड में रख दे और आके मेरे साथ काम में लग जा। वो मम्मी अभी आती हूँ मैं, चलो चलो गाइस दूसरे रूम में चलते हैं। तो गाइस कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा मेरा फैमिली ड्रामा, बाकी फिर मिलते हैं, चलो बाय। अब ये क्या था मम्मी? You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same. चल 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 के देखते हैं। Hey guys, तो guys, hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दो और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताओ। धड़ाधड़ फटाफट जल्दी से लाइक्स ठोक दो। सेकंड पार्ट भी रेडी होने वाला है, जल्दी से वो लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इस पे लाइक्स करने हैं, दबा के लाइक्स करने हैं और कमेंट करना है अपना फेवरेट पार्ट। बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 10 मिलियन सब्सक्राइबर फटाफट कर दो, उसके बाद एक धमाकेदार सरप्राइज आप लोगों के लिए, ठीक है? तो चलो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, हमारा नया घर पार्ट 3, ठीक है? बाय बाय, लव यू, टेक केयर।